फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों बेरी के फल को हम सब कहते हैं जंगली। इसी जंगली फल की मैं ऐसी बनाऊंगी रेसिपी जिसे खाने वाले चाटते रह जाएंगे अपनी उंगली। तो आइए फ्रेंड्स बना लेते हैं इन जंगली बेरियों की एक बहुत ही लाजवाब सी साइड डिश, जिनके लिए हमने यहाँ 400 ग्राम बेरियों का यूज किया है और जिनकी डंठल को मैं इस तरह से अलग करूंगी और धीरे धीरे वन बाय वन सारों में हमें स्लिट लगा लेना है। और सबसे कमाल की बात तो ये है फ्रेंड्स, ये डिश बन रही है बहुत ही कम मसालों में और सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल के साथ। इससे पहले कि पैन की तरफ चलते हैं, मैंने यहाँ ले लिया है 150 ग्राम गुड़, जिन्हें मैंने यूं क्रम्बल कर लिया है। ये देखें फ्रेंड्स, फ्रेश वेसल में मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून व्हाइट ऑयल और इस ऑयल में मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून सफेद जीरे और एट अ टाइम इनमें जाएंगे 2 लाल मिर्च। जैसे ही ये हमारे मसाले चटक जाते हैं, इनमें हमें ड्रॉप कर देना है अपनी सारी बैरों को। सिर्फ 2 बार हमें इन्हें चेक करना है और मैं इनमें ऐड कर दूंगी 150 मिलीलीटर वाटर और इन्हें ढककर वेट करूंगी इनमें 1 उबाल आ जाने तक। और ये देखिए फ्रेंड्स, इनमें 1 उबाल आ गई है। इसी स्टेज पे हमें इनमें ऐड कर देना है 1/2 टीस्पून अदरक का पाउडर। अगर आपके पास अदरक पाउडर नहीं है तो आप क्रश्ड अदरक भी डाल सकते हैं। और साथ ही साथ इनमें जा रहे हैं 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च के पाउडर भी। इससे हमारे चाशनी में कलर बहुत अच्छी आएगी और तीखेपन के लिए हमने पहले से ही सूखी मिर्च का यूज किया है। अब मैं करूंगी इन्हें कवर अप, फ्लेम को सिम और सिर्फ 5 मिनट तक इन्हें हमें कुक करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट गुजर चुके हैं और ये हमारी बेरी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखें इनके दाने भी बाहर आने शुरू हो गए हैं। इस स्टेज पे हमें ऐड कर देना है अपने क्रम्बल गुड़ को और ये चले गए हमारे सारे गुड़ बेरी के साथ अच्छी तरह से पक कर इसकी टेस्ट को अनबीटेबल करने के लिए। और मैंने यहाँ 1/4 कप शक्कर का भी यूज किया है। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो गुड़ की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और पूरी तरह से गुड़ से ही रेडी कर सकते हैं। और इन्हें ढक देते हैं फिर से 5 मिनट के लिए ताकि हमारे गुड़ और शक्कर दोनों ही अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये आखिरी के 5 मिनट भी गुजर चुके हैं और हमारी ये बेरी की चाशनी बेहतरीन तरीके से तैयार है। तो यहाँ किया मैंने फ्लेम को ऑफ और ये गर्मा गर्म चाशनी को मैं करूँगी यूँ इस तरह से सर्व। और लास्टली मैं इन पे डाल रही हूँ थोड़ी सी तेल। तो फ्रेंड्स ये देखें आपके सामने तैयार है खट्टी मीठी बैर की चाशनी, जिन्हें बनने में ना ही लगते हैं ज्यादा खर्च, ना मेहनत और ना ही वक्त। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और प्लीज लाइक बटन को हिट करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।